सबसे पहले देश में जारी सियासी घमासान की बात। महाराष्ट्र में राज्यपाल से क्यों मिले बीजेपी के विधायक? सदन में संग्राम पर क्यों आया यूपी बिहार का नाम? विरासत की जंग में आशीर्वाद किसके संग है? और बंगाल में दीदी ने कांग्रेस को कैसे दिया झटका? राजनीतिक घमासान से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं टॉप 9 सियासी चक्रव्यूह। महाराष्ट्र विधानसभा में आज ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। इसके बाद कार्यवाहक स्पीकर भास्कर जाधव ने बदसलूकी के आरोप में बीजेपी के 12 विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया। नाराज सभी विधायकों ने राज्यपाल से भी मुलाकात की है। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख के बयान पर नया विवाद खड़ा हो सकता है। मंत्री ने बीजेपी के 12 विधायकों के निलंबन को सही ठहराते हुए कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो यूपी बिहार में होते हैं। महाराष्ट्र के इतिहास में ये पहली घटना है। बीजेपी विधायकों ने किसानों के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। ये विधायक तूफान से हुए नुकसान की भरपाई, बीमा की रकम देने और कर्ज माफी की मांग कर रहे थे। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की पहली जयंती पर चिराग पासवान ने आज बिहार के हाजीपुर में आशीर्वाद यात्रा निकाली। एलजेपी में छिड़े घमासान के बीच चिराग की इस यात्रा को पिता के सियासी विरासत की जंग माना जा रहा है। आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए लालू यादव का दर्द छलक पड़ा। कहा कि विधानसभा चुनाव में तड़पता रहा लेकिन बाहर नहीं आ पाया, चुनाव ना लड़ने का मलाल है। लालू ने रामविलास पासवान को भी याद किया, बोले हमने साथ काम किया, हम पुराने साथी रहे। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए हैं। अभिजीत ने 2012 और 14 में कांग्रेस के टिकट पर जंगीपुर लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी लेकिन 19 का चुनाव हार गए थे। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को हटाने की मांग की। टीएमसी ने राष्ट्रपति से बीजेपी नेता और नारदा घोटाले में आरोपी शुभेंदु अधिकारी की तुषार मेहता से कथित मुलाकात का भी हवाला दिया है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का मुद्दा सियासी रंग ले चुका है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने धर्मांतरण केस में गिरफ्तार उमर गौतम को निर्दोष बताया है। उन्होंने कहा आने वाले 6 महीने में यूपी में मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जाएगा। यूपी धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा हुआ है। धर्मांतरण गैंग नाबालिग लड़कियों को निशाना बना रहा है। एटीएस उमर गौतम के 5 से 6 साथियों की तलाश कर रही है जो नोएडा के साथ ही दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के मूक बधिर बच्चों को भी निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।